डरावनी लगती है ना। बहुत अंडरटेक आ गया जैसे बुलबुलिया। वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग गाइस। तो आज जा रहे हैं हम अलेक्जेंड्रा, आपको दिखाएंगे कि अलेक्जेंड्रा में कैसा माहौल है। हम रोड ट्रिप करेंगे और जो भी डिटेल वीडियो है वो भाई की चैनल पे जाके देख सकते हो। इंडो ट्रेकर में अलेक्जेंड्रा के अंदर के माहौल कैसा है, रोड कैसे है, कैसे लोग रहते हैं, वो जो भी कुछ दिखा सकते हो हम दिखाएंगे अभी। तो चलो बने रहिए हमारे साथ और चलते हैं अलेक्जेंड्रा और आपको दिखाते कैसा है। अभी हम आए अलेक्जेंड्रा में, आप देख सकते हो ये सारा सब कुछ। ये टैक्सी भी चल रही है अंदर अंदर। आप स्ट्रीट पे देख सकते हो कितने वेंडर्स बैठे हैं। ये लोकल में ही टैक्सी चलती है। कुंभी यहाँ पे कुंभी नहीं चलती, तो ये अवंजा हो गया, इनोवा हो गया। अच्छा, वो चलती है मोस्ट ऑफ। अवंजा होगी तो वो इधर होगी और एक कुंभी है टैक्सी। ये देख सकते हो इधर खेलने का जुगाड़ चल रहा है। ये वाला एरिया पूरा वैसे ही लग रहा है जैसे केंद्र। बाहर उतरेंगे नहीं क्योंकि आज हमारा फ्रेंड नहीं है, उसके साथ होते तो, या उसका एक बंदा है उसके साथ होते तो हम बाहर निकल दे। ऐसे डरते नहीं है पर जाना अभी सही नहीं होगा इसलिए हम नहीं जा रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं रफा स्टोर, एलेक्स स्टोर है, तो हम इधर जाएंगे अभी। देखो एक अंदर का एरिया पूरा। इधर भी आप देख सकते हो फुटबॉल का बहुत क्रेज है लोगों को और फुटबॉल खेलते हैं सारे बच्चे। इधर के जो फुटबॉल की टीम है उसमें भी बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं कि जो एरिया में से भी सिलेक्शन हुए हैं। तो आप देख सकते हो, आप रोड की हालत देख सकते हो। देखो ये कैसे हम जा रहे हैं अभी, ऐसा माहौल है। आप देख सकते हो हर जगह पे लोग खड़े वगैरह। तो हमने इधर से उतारा, चलो अभी फिर से। ये बहुत अंडर तक आ गए हैं हम अभी, जहाँ से स्टार्ट किया वो। आप आगे तक देख सकते हो कितना बड़ा ये लोकेशन है। कंटेनर होते ना उसमें से बनाए, ऐसे घरों में लोग रहते हैं बहुत सारे। कंस्ट्रक्शन है सारा। अच्छा, ये छोटे रेंट में रह सकते हैं लोग, तो इसके लिए बनाए ये लोगों ने। तो आप देख सकते हो ये देखो कैसी बिल्डिंग है, डरावनी लगती है ना। इसे में ना वो राक्षस जैसे होते हैं वो अभी जगते हैं इधर, ऐसे ही माहौल में जगते हैं। रात को तो आप आ ही नहीं सकते इधर। यहाँ पे ऐसे कंटेनर टाइप के भी घर होते हैं और उन्हें देख सकते हो कितना गंदा है इधर। गन की तो बोट है इधर, पर क्या करें, अभी माहौल भी ऐसा है, रहना भी ऐसा है, तो थोड़ा तो वो लोग मैनेज करते हैं। आप देख सकते हो
ऐसे तो दोस्तों हम आते ही नहीं इधर, पर आपको दिखाने के लिए स्पेशल आए हैं। तो प्लीज़ चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और अच्छी अच्छी कमेंट भी करो और लाइक भी करो और शेयर भी करो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, तो हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिले हमें और इंडोटेकर को भी। तो आप देख सकते हो आगे, देखो ये मुर्गे बेच रहे हैं फ्रेश वाले, वैसे देखो और ये है यहाँ की फ्रूट मंडी एंड वेजिटेबल मंडी। यहाँ का अलग ही माहौल है यार, आज आपको काफी सारी चीजें दिखाई मैंने जोहानिसबर्ग में। बकरियां चल रही है रास्ते पे, फ्रूट एंड वेज मार्ट, ये भुट्टे बेच रहे हैं। ये बकरिया बेचने के लिए है क्या यार? कोई लोग बेच देते, कोई लोग अच्छा, खा जाते, अच्छा, शाम को अच्छा, लेके जाते, ऐसा ही चल रहा है इधर, ऐसा ही चल रहा हाँ, है। आप देख सकते हो ये देखो यहाँ पे ना साउथ अफ्रीका में बैटिंग पॉइंट का बहुत क्रेज है लोगों को, तो लोग बैटिंग में बहुत पैसे लगाते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो भाई साउथ अफ्रीका में बैटिंग का बहुत ज्यादा क्रेज है, अंदर भी लोग भरे पूरे, और ये भेड़ बकरियां तो बहुत है इधर देखो। भाई साहब इधर तो आ भी नहीं सकते, ऐसा माहौल है देखो। ऐसे तो स्ट्रीट पे हम नहीं चल सकते, पर आपको दिखाने के लिए हम चल। आप देखो बोतल ही बोतल ही देखो, काफी डेंजरस है। सकते हो कितना डिस्टेंस है, ये रहा सेंटन और ये रहा अलेक्जेंड्रा, सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर का एरिया का फासला है, पर आप ऐसा माहौल चल रहा है भाई इधर देखो यहाँ खड़ा है। अलेक्जेंड्रा आप देख सकते हो कि सड़कों पे भेड़ बकरियाँ, एक थोड़ी गंदगी वहाँ पे, कितना अच्छा माहौल था। स्ट्रीट पे भी आप चल सकते, इधर नहीं चल सकते आप, ऐसा हो सकता है। तो आप देख सकते हो लोग बहुत दारू पी रहे हैं, बाहर बैठे, आज होलीडे भी है, तो गाड़ी वॉश हो रही है बाहर ही, ऐसा माहौल वहाँ पे, ऐसा माहौल नहीं है। आप देख सकते हो गाइस, इसी के साथ आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करते। कैलाश भाई के साथ आज बहुत मजा आया, बहुत अच्छा अच्छा एक्सप्लोर किया। ऐसे तो डेंजरस होता है उधर जाना, हर किसी को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे हम, पर एक चांस मिल गया हुआ था आज, और आज हॉलीडे थी, क्वाइट था, इसलिए आपको देख पाए हम। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, फैमिली के साथ, और कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।